अभी से कुछ 2 वीक पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, आई टर्न माइनक्राफ्ट इनटू GTA 5, एंड भाई साहब क्या ही सपोर्ट था यार आप लोगों का। मतलब यार कमेंट्स पढ़कर तो मेरे को मजा ही सा आ गया। एंड मेरे को यार एक कमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिला कि भाई आपकी वीडियो को कॉपी किया जा रहा है। तो मैं यूट्यूब पे गया और सर्च कर दिया आई टर्न माइनक्राफ्ट इनटू GTA 5, और मेरे को भाई कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भाई वीडियोस देखने को मिले जो कि भाई सेम टाइप के बिल्कुल लग रहे थे। लेकिन दैट इज कम्प्लीटली फाइन यार, लोग इंस्पायर होकर ही तो आइडिया लाते हैं। लेकिन इन भाई साहब का जब मैंने थंबनेल देखा ना यार, तो भाई थंबनेल कुछ मेरे से ज्यादा ही सिमिलर था, बिल्कुल डिटेल में कॉपी था। बट कोई बात नहीं, मैं भी क्रिएटर हूँ यार, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा यार चेंजिंग कर दो, है ना? नहीं जैसे कि मैंने आई ट्रेन माइनक्राफ्ट इनटू GTA 5 वाली वीडियो के अंदर बोला था कि भाई साहब इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, और कुछ कुछ चीजें यार उस पार्ट 1 के अंदर मिसिंग थी, तो जो मैंने बोला था कि यार पार्ट 2 के अंदर मैं फिलअप कर दूंगा। हाँ यार, आपका सपोर्ट देकर फाइनली मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो होने वाला है उस वीडियो का पार्ट 2, तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा यार। एक्साइटमेंट लेवल जो है ना मेरी यार बिल्कुल ऊपर जा रही है, और आपकी भी जा रही होगी मेरे को पता है भाई, झूठ मत बोलना। चलो ना भाई इसी के साथ शुरू करते हैं। ओके जी, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सबसे शुभ काम जो करना जरूरी होता है वो होता है एक फ्लैट वर्ल्ड जनरेट करना। तो मैं भी कर दिया यार, देखो कर दिया। अब देखो यार मेरे को कैरेक्टर कुछ तो चाहिए था, तो मैंने यार ऑलरेडी एक स्किन लगा रखा था हमारे ट्रेवर भाई का। तो देख सकते हो ट्रेवर को इस बार मैं यूज करने वाला हूँ, बिकॉज पिछले बार मैंने माइकल को यूज किया था, एंड माइकल को इस बार नहीं करेंगे यार, बोर क्यों करना ऑडियंस को, तो इस बार ट्रेवर रहने वाला है। तो अभी हमारी जो है मॉडिंग शुरुआत होने वाली थी, तो सबसे पहला मॉड जो मैंने इंस्टॉल किया वो था हमारा भाई फॉर्ज। अब देखो भाई साहब फॉर्ज जो है ये कुछ भी चेंजिंग नहीं करता, पिछले बार बताया था अभी भी बता रहा हूँ, फॉर्ज जो है मॉड का ठिकाना होता है। अब फॉर्ज के अंदर मैं और सारी मॉड लगाऊंगा। फॉर्ज का मॉड लगाते ही भाई मेरे को डालना था भाई GTA 5 का मैप। अब भाई पिछले बार वाला तो GTA 5 का मैप नहीं डालूंगा ऑब्वियसली, इस बार मैंने GTA 5 का मैप डाला, बट ये GTA 5 का मैप था रिमास्टर्ड लॉस एंजेलिस का मैप। तो ये जो मैप था यार बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। लाइक इसके बिल्डिंग्स वगैरह थे वो भाई प्रॉपर ग्लास के बने हुए थे, जो कि हमको GTA के अंदर रिफ्लेक्शन देंगे अगर आगे चल के हम रिसोर्स पैक वगैरह एक ढंग का लगाते हैं। तो ये जो क्वालिटी थी ना गाइस बहुत अच्छी थी, एंड ये पिछले बार वाले मैप से बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मैप था, तो ये भी इसकी बहुत ही ज्यादा एक एडवांटेज वाली बात थी जो कि मेरे को पसंद आई। तो मैंने इसलिए यार ये रिमास्टर वाला वर्ल्ड सिलेक्ट किया, काफी ज़्यादा कमाल का था, और भाई लुक्स तो इसके बहुत ही ज़्यादा मस्त आ रहे थे जैसे कि आप देख सकते हो। तो GTA 5 का मैप डालने के बाद भाई मेरे को लग रहा था इतना बड़ा मैप तो डाल दिया, बट भाई साहब इतने बड़े मैप में खो जाऊंगा कहीं, तो भाई कैसे आऊंगा, कहां जाना होगा पता ही नहीं चलेगा। तो भाई ओरिजिनल GTA 5 में क्या है ना भाई, आप मैप चेक कर सकते हो खोल कर। तो मैंने भी इसके अंदर एक मिनी मैप का ऑप्शन डाल दिया। अब इस मॉड को भाई डालने के बाद मेरे को एक ऑप्शन मिल गया कि भाई मैं अब मैप चेक कर सकता हूं। अब ऐसे करके मैं खोलूंगा और मैप मेरे को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो एक एक डिटेल है भाई, एक एक कॉर्नर में डिटेल देख सकते हो। अब भाई साहब मैं इस कॉर्नर पे हूं, तो यहां पे देख लो एक डिटेल है, इस वाले रास्ते में हूं। अब मेरे को जहां जाना है यहां पे देख सकते हो पार्क है, तो मैं पार्क में जा सकता हूं, यहां से भाई बिल्कुल क्लोज है पार्क। और उसके अलावा भाई मेरे को अगर दूसरे पार्क में जाना है तो यहां पे कोई और पार्क तो मेरे को दिख रहा है, ये छोटा सा पार्क है। बाकी उसके अलावा अगर मेरे को जाना है पहाड़ की साइड तो देख सकते हो यहां पे पहाड़ है। तो ऐसे करके भाई साहब मैं मैप को एक्सप्लोर कर सकता हूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो कहीं खो जाता भाई। अब इसके बाद जो मैंने मॉड डाला वो था भाई NPC का, बिकॉज यार हमारा सिटी इतना खाली क्यों है यार, ये स्लाइम घूम रहे, कुछ गाय घूम रहे हैं भाई, ये तो बिल्कुल भी ह्यूमन वाले फील नहीं दे रही है यार। तो इसके बाद मैंने जो मॉड डाला वो NPC का। अब भाई मैं मॉड ऐसे डालूंगा, एंड इन NPCs को भाई मैं जो है ना एडिट कर सकता हूं, मैं इनके हाइट को एडिट कर सकता हूं। जैसे कि मेरे को अगर 7 फीट का NPC रखना है तो भाई साहब मैं 7 फीट का रख सकता हूं, भाई इनको ज्यादा बड़ा कर दिया, 7 फीट का ही रखना है, तो देख सकते हो 7 फीट का NPC आ जाएगा। एंड मैं NPC का कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूं, उसका ड्रेस चेंज कर सकता हूं। तो कुछ NPCs को मैं खड़ा कर देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मैं खड़ा कर दे रहा हूं। अब ये जो NPC है इसको मैं थोड़ा सा छोटा रखने वाला हूं, ये 4 फीट का NPC रहने वाला है, तो ऐसा कुछ रहेगा भाई साहब देख सकते हो। और इससे जो है हमारा वर्ल्ड थोड़ा सा भरा भरा लगने वाला है, तो ये बहुत जरूरी होने वाला था। तो NPC मॉड डालने के बाद मैंने कैमरा मूवमेंट का मॉड डाल दिया। अब भाई साहब देखो जब मैं दौड़ूंगा तो हमारा कैमरा जो है लेफ्ट राइट हिलेगा, भाई देख सकते हो काफी ज्यादा सही लगता है ये मॉड डालने के बाद। बट यार उसके बाद भी मेरे को एक कमी लग रही थी यार, हमारे GTA 5 के अंदर जो कैमरा होता है यार वो बहुत सही होता है, बट इसके अंदर देखो ना यार मेरा पूरा कैरेक्टर घूम जाता है यार कैमरा के साथ साथ, और GTA 5 के अंदर ऐसा नहीं है, एक टाइम पे दोनों चीज अलग अलग घुमा सकते हैं। तो भाई मैंने इसके लिए भाई 2 मॉड्स डाल लिया फटाफट से, एक तो मॉड मैंने डाल दिया भाई कैमरा एंगल बेटर मॉड, और दूसरा मैंने डाल दिया भाई फटाफट से सोल्जर सर्फिंग का मॉड। इसको लगाने के बाद गाइस देख सकते हो हमारा कैमरा एंगल कितना ज्यादा, पहले तो मूवमेंट अच्छा कर रहा था, और सोल्जर देख सकते हो कितना रियलिस्टिक सा लग रहा था। बट सबसे ज्यादा जो कमाल की बात थी वो था भाई हमारा कैमरा पूरा एंगल घूमना है ऐसे भाई साहब बिल्कुल GTA लग रहा है ना, बिल्कुल GTA भाई साहब, पूरा घुमा सकते हो एकदम भाई तगड़ा वाला फील आएगा, पूरा कैरेक्टर आपका ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, और ये चीज जो है ना यार बहुत मजा आता है। और अगर आपने माइनक्राफ्ट को कंट्रोलर से खेलोगे ना गाइस तो और भी ज्यादा यार GTA वाली
भाई भाई। तो ये जो है हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो गाइस मैंने मॉड डाला वो था हमारा ऑप्टिफाइन का मॉड। भाई साहब ऑप्टिफाइन का मॉड डालूंगा तभी तो सेडर लगाऊंगा, तो ऑप्टिफाइन का मॉड डाल दिया। एंड ऑप्टिफाइन का मॉड डालने के बाद भाई मैं फटाफट जो सेडर डालता हूँ। भाई साहब देखो पिछले बार मैंने जो सेडर डाला था वो था हमारा सेडर भाई अपना सीयूस रिन्यूड। तो भाई इस बार मैंने जो सेडर डाला वो बिल्कुल पीसी फाड़ देने वाला सेडर है। अब भाई साहब ये वाला जो सेडर है ये है सीयूस रिन्यूड अपना HRR। अब भाई साहब इसके अंदर रेट रेसिंग भी है, तो भाई साहब रेट रेसिंग के साथ हमारा ये सेडर भाई अपने पीसी के ऊपर बहुत भार देने वाला है। तो मेरे पीसी के लिए एक लाइक जरूर कर देना। बट वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज देखो ना, हमारा भाई सेडर लगते ही हमारे जो सिटी का लुक है ना यार, वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का हो गया मेरे को यार। ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। ऊपर का क्लाउड वगैरह देख लो यार, रेट रेसिंग वाली जो लाइटिंग आ रही है, ओ माई गॉड, बिल्कुल यार मजा सा आ गया देखकर। उसके बाद जो मैं मॉड डालता हूँ वो होता है भाई दो मॉड। एक तो होता है हमारा टेक्सचर पैक, टेक्सचर पैक को भी हम मॉड के कैटेगरी में डालने वाले हैं। और दूसरा जो मॉड होता है हमारा वो टेक्सचर पैक का ही मॉड होता है, जिसके बाद हम अलग अलग अपने आइटम के स्ट्रक्चर जो वो चेंज कर पाएंगे। जैसे कि हम उसको भाई गोल भी कर सकते हैं, तो GTA 5 में ऐसा गोल का ऑप्शन होता नहीं ना, तो उसके बाद हो जाएगा। अब भाई साहब देख सकते हो इस रिसोर्स पैक और मॉड को लगाने के बाद हमारे पेड़ देख सकते हो। ओ माय गॉड, क्या ही लंबे लंबे पेड़ लग रहे हैं भाई साहब, कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं। ओहो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बस इतना ही नहीं यार, बिल्डिंग्स तो देखो। ओ माय गॉड, बिल्डिंग्स पे क्या ही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है यार, ग्लास कितने ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। ओ भाई साहब, बिल्कुल GTA हो गया यार। और भाई साहब इस जगह पे आती देखो ना, इधर कितने सारे पेड़ लगे हुए थे, और भाई ग्रास के भाई क्या ही भाई कलर्स आ रहे थे, और क्या ही रियलिस्टिक वाला ग्रास लग रहा था यार। ऐसा ग्रास तो GTA 5 के अंदर भी नहीं है भाई। मैं खुद पर्सनली GTA 5 खेल रहा हूँ, और भाई नहीं है भाई, कह रहा हूँ नहीं है यार, इतने प्यारे ग्रास तो नहीं है जैसा इसका मिल रहा है। तो भाई यार लुक्स जो है बहुत ज्यादा भाई सॉलिड वाले आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मजा तो आने लग गया था, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और भाई साहब देख सकते हो मॉडिंग की वजह से मैं एक और चीज को ऐड कर पाया, जिसका नाम था भाई ट्रैफिक लाइट। अब देख सकते हो यार ट्रैफिक लाइट डालने के बाद अलग ही मजा सा आ गया था भाई साहब। देख सकते हो इसके अंदर आपको सिग्नल देखने को मिलने वाला है कि आप अभी जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। और इस ट्रैफिक लाइट को भाई एक जगह नहीं, मैंने हर रोड के कॉर्नर पे लगा दिया था खुद मैन्युअली, तो बहुत ज़रा कमाल का लग रहा था। और इस मेहनत के लिए भाई लाइक कर दो। और हाँ, जिसने भी GTA खेल रखा है भाई उनको पता होगा GTA 5 के अंदर जो हमारा FIV होता है भाई, वो देख सकते हो FIV का भाई हम बता बिल्डिंग। और एक मिशन के अंदर भाई ये बिल्डिंग गिर भी जाता है हमारे GTA 5 के अंदर। भाई साहब इसके बाद जो मैंने मॉड इंस्टॉल किया उस मॉड का नाम था हमारा भाई फ्रेश एनिमेशन मॉड। अब भाई साहब देख सकते हो इसके बाद जो हमारे मॉब्स वगैरह है ना, उनके भाई कैरेक्टर के ऊपर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब कुछ कारनामे करके दिखाते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको मारा, अब भाई साहब देखो ये कैसे जा रहा है चलकर। और अब इसकी मैं पिटाई करवा दूं प्लेजर के हाथों, तो भाई देख सकते हो एनिमेशन कैसा देखने को मिलेगा। भाई देखो कैसे भाग रहा है बेवकूफ, अबे बेवकूफ कहां भाग रहा है। तो भाई साहब ये प्लेयर एनिमेशन मॉड बहुत ही ज्यादा कमाल का मेरे को लग गया। अब गाइस देख सकते हो इतना मॉड इंस्टॉल करने के बाद हमारा गेम काफी हद तक तो भाई रियलिस्टिक सा लगने लग गया था, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अभी बारिश हो रही है और क्या ही मस्त सा भाई रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये बात है। बट मेरे को यार कुछ तो मिसिंग लग रहा था यार, मतलब ये सब देखो ना, बारिश होने पर जितने भी ज़ॉम्बीज वगैरह हो गए, क्रीपर वगैरह हो गए, स्पॉन होने लग गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यार इनको मैं मार नहीं सकता था, मारूंगा तो ये फट जाएंगे या तो मेरे को ही मार लेंगे। जब तक मैं भाई क्रिएटिव में हूँ तब तक जिंदा हूँ। तो भाई मेरे को एक चीज़ याद आया कि हम GTA 5 के अंदर होते हैं तो भाई गन से भाई गनवारी कर देते हैं, बिल्कुल फाड़ देते हैं मारकर। तो भाई मेरे पास गन क्यों नहीं है, तो फटाफट से मैंने एक गन मॉड डाल दिया। भाई साहब गन मॉड तो मैंने डाल दिया, भाई देख सकते हो गन कितना ज्यादा हमारा मस्त सा लग रहा था बिल्कुल यार। जैसे कि आप देख सकते हो काफी तगड़े तगड़े गन थे जैसे कि आप देख सकते हो, और गन के ऊपर ही पानी गिर रही थी, तो भाई देख सकते हो क्या रिफ्लेक्शन आ। बट मैंने सोचा कि अगर मैं इनको मारूंगा तो यार उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला इनको मारकर, भाई क्या ही मजा आएगा। मतलब मैं अगर मार भी दूं तो मतलब कुछ ऐसा फील नहीं आने वाला कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो भाई मेरे को चाहिए था भाई फिजिक्स, ताकि जब मैं इनको मारू तो यार फटाफट से एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक वाला जो होता है ना हमारा एकदम कमाल का रियलिस्टिक वाला इफेक्ट है मरने का। तो यार फटाफट से मैंने एक फिजिक्स मॉड डाला। और भाई साहब फिजिक्स मॉड डालते ही देखो ना यार क्या हो गया। अभी देखो मैं मार के आपको दिखाता हूं, इसको मारा मैंने ये जा। ओ भाई साहब देख रहे हो कैसे यार गिर गया ये। अभी देखो इस ज़ॉम्बी को मारूंगा मैं, इसके सर पे मैंने मारा, ओ भाई गिर गया ये भाई, इसका खोपड़ी देखो कैसे टूट गया। भाई साहब एक अलग ही लेवल का मजा आने लग गया था। अभी देखो मैं एक क्रीपर को मारूंगा और ये क्रीपर को लगा, ओ भाई साहब क्या इसके टुकड़े हो। और गन की जो मूवमेंट थी ना गाइस वो तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं खेल रहा हूँ भाई फर्स्ट पर्सन के अंदर बैटल फील्ड का भाई सबसे लेटेस्ट गेम भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और भाई देखो इन लोगों को मारने में तो अलग ही लेवल का मजा आ रहा था भाई, अब क्या ही मर के गिर जा रहा था। लेकिन भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था यार, मतलब ठीक है सब कुछ तो हो गया, लेकिन एक तो कमी लग रही थी, वो भाई मेरे को गाड़ियों की कमी लग रही थी यार। फटाफट से मैंने एक कार मोड डाला, बट कार मोड से क्या ही कर लोगे यार, GTA के अंदर तो ट्रक भी चलता है, तो ट्रक मोड भी डाल दिया फटाफट से। भाई देख सकते हो फटाफट से गाड़ी का मोड डाला, बट दिक्कत ये आ रही थी यार गाड़ी के साथ हमारा जो सेटर वो थोड़ा ग्लिच कर रहा था, तो मैंने भाई सेटर ऑफ करा। एंड भाई साहब गाड़ी जो थी ना यार बहुत ज्यादा स्पीड चल रही थी भाई, बिल्कुल तगड़ी वाली फील आ रही थी। और ये जो गाड़ी है ना भाई,
ऐसी ऐसी गाड़ी कहीं पे भी खुद से स्पॉन हो जाएगी। जैसे कि देखो वहाँ पे एक ट्रक खुद से स्पॉन हो रखा है, मैंने नहीं किया। तो भाई ये बहुत सही चीज़ है यार, खुद से स्पॉन हो जाओ जैसे GTA के अंदर होता है। तो अभी फटाफट से मैं उतरूंगा और अलग अलग भाई गाड़ी को ट्राई करने वाला हूँ। तो ये जो हमारा ट्रक है मैं इसको चलाने वाला हूँ। तो चलो भाई ट्रक लेकर फटाफट से भाई इस जगह में, और भाई अब बोलो किसको कौन सा सामान कहाँ ले जाना है भाई, सब ही लेकर चल जाऊंगा। और भाई सब गाड़ी का जो मजा था ना यार, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था बिल्कुल चलाने में। तो मेरे को यार गाड़ी तो बहुत ज्यादा पसंद आई। और ऐसी एक गाड़ी नहीं भाई, अलग अलग आपको JCB वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, जो कि भाई एक जगह पे कहीं पे कुछ काम कर रही होगी या फिर अटकी हुई होगी। जैसे कि देख सकते हो इस ट्रक ने भाई इसको ठोक रखा है। अब भाई क्यों ठोक रखा है पता नहीं, जैसे कि GTA के अंदर भाई ठुका उका रहता है भाई इधर उधर, तो ऐसा भी इधर हो रहा है। और मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आई ना गाड़ी वो भाई ये वाली थी, आर्मी वाली। भाई बहुत तगड़ी सी लग रही थी यार, इसको चलाने में तो एक अलग ही मजा आ रहा था। जैसे कि आप देख ही सकते हो भाई स्पीड जो था ना यार इसका, बहुत ज्यादा स्पीड था यार, बिल्कुल सॉलिड वाला चल रहा था। और भाई साहब देख सकते हो सैडल के साथ इसको पता ही नहीं क्या ही हो रहा था यार, सैडल के साथ तो क्लिच कर देने लग जा रहा था। और मेरे को यार ये क्लिच बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए यार मैंने सैडल को ऑफ कर दिया। बट सैडल के साथ ये चलने वाला जो इफेक्ट आ रहा था स्पीड वाला ना यार, क्या ही मस्त लग रहा था, बिल्कुल सॉलिड सा लग रहा था। और मेरे को यार ये बहुत ही ज्यादा यार घातक सा लग रहा था, ऐसा ग्लिच तो था बट ये रियलिस्टिक टाइप का फील दिया था, ऐसा लग रहा था गाड़ी बहुत स्पीड भाग रही है। और अब देख सकते हो हमारे सीडी के अंदर जो चलने में मेरे को वाइब आ रही थी वो GD वाली आ रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा GD वाली आ रही थी। हमारा जो गार्डन था वो बहुत ज्यादा GDA की तरह लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्फ खरीदने के लिए अगर आप जाते होगे GDA वाले गार्डन में, बिल्कुल ऐसा लगता होगा। बस फर्क इतना ही है स्लाइम नहीं चलता हुआ यार ओरिजिनल GDA के अंदर। और भाई साहब पूरी मॉडिंग कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो हमारा जो ये सिटी था ना भाई GDA 5 का, जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर था यार, ये बहुत बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। बिकॉज पिछले बार मैंने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं डाले थे, वो भी ग्लासेस वाले, और इस बार मैंने डाले हैं ग्लासेस वाले। और भाई साहब ये जो है ना बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार देखने में। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा आपको लुक प्रोवाइड करके दे रहा है ओवरऑल। और ये जो सिटी है ना गाइस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक सी आपको फील करा रही है बिल्कुल देखने में, जैसे कि आप देख ही सकते हो। भाई गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन है, वहां पे एक भाई घर है, घर या बिल्डिंग जो बोल लो ये वाली, भाई इसका नाम क्या है बताओ। जिन्होंने भाई GTA खेल रखा उनको पता है, जिन्होंने नहीं खेल रखा भाई उनको नहीं पता है, तो बताओ यार कॉमेंट्स में। तो गाइस फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बताओ माइनक्राफ्ट के अंदर ये GTA भाई कैसा लग रहा है, मतलब यार क्या फील हो रही है आपको देख करके। भाई अपने माइनक्राफ्ट को कुछ भी बना सकते हैं, मतलब तो GTA बना दिया यार, मतलब जो चाहिए भाई माइनक्राफ्ट के अंदर आ जाओ बिल्कुल। और हाँ यार इस वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च लगा और मेहनत लगा यार, तो यार करके आ रहे हो फटाफट से लाइक मार दो यार, फटाफट से लाइक मारी दो। भाई अभी भी कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग है कमेंट में बताओ फटाफट से, क्योंकि Part 3 भी तो लाना है। लेकिन Part 3 तभी आएगा जब इस वीडियो पे लाइक रहेगा 5000। तो अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका Part 3 लेकर आऊंगा। तो अगर आप चाहते हो हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर जो GTA है वो इससे भी ज्यादा रियलिस्टिक बन जाए, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बन जाए, तो फटाफट से यार 5000 लाइक्स मार दो। तो इसी के साथ गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखो।